ग्वालियर के श्रीवानगर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है। जिला और नगर निगम प्रशासन ने कांग्रेस विधायक सतीश शेखरवार और स्थानीय लोगों से चर्चा करने के बाद अतिक्रमणकारियों को दो दिन का समय दिया है। बता दें कि अतिक्रमण विरोध अभियान के तहत जिला और नगर निगम प्रशासन ने 244 अतिक्रमणकारियों को बेजा कब्जा खुद हटाने का नोटिस दिया था। समय सीमा पूरे होने पर शनिवार को जिला और नगर निगम प्रशासन दलबल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा और 155 बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया और हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने नारेबाजी कर रहे सभी आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश सचिव सुनील शर्मा मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण विरोधी मुहिम को अवैध ठहराते हुए हंगामा करने लगे। वहीं कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय कांग्रेस विधायक सतीश शेखरवार मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके कुछ मोहलत की मांग की है। इस पर SDM प्रदीप तोमर ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके स्थानीय लोगों को 2 दिन का समय दिया है। हमने ये कहा है कि बिल्डोजर के वजह से जिस प्रकार बिल्डोजर से आप लोगों को भयभीत आतंकित करने हैं, ये बंद करिए। और इस प्रकार के लोग आतंकित करके लोगों को तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। जब आपके आतंक की वजह से, आपकी डर की वजह से, आपकी पुलिस की वजह से लोग खुद ही तोड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में बिल्डोजर लगा के पूरे मकान को हिलाने का, जो मकान है पटिया का बना हुआ मकान है, आप 2 फुट तोड़ना है, आप इसको तोड़ दोगे तो पूरा मकान धराशायी ही हो जाएगा। SDM साहब जो और अपने जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, 2 दिन का समय दे दिया है कि वो अपने हाथ से ही तोड़ दें, नहीं तो 2 दिन बाद फिर कार्रवाई की जाए। विरोध तो होता है ऐसे कामों में, लेकिन जनहित का काम है तो ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत विरोध